हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक और बार आपके सामने आ गया हूँ इस बार एक नया टॉपिक लेके ठीक है तो इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम है ऐसी प्रॉब्लम है क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए तो आपके लिए लेके आया हूँ मैं ये एक सेशन एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा एक बहुत ही आसान तरीके टू सॉल्व रीअरेंजमेंट क्वेश्चन है ना इंग्लिश में आता है जो आपको पता है सी में भी आएगा और या किसी भी एग्जाम को जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उन सब एग्जाम्स में आएगा रीअरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन जिसको बोलते हैं पैरा जम्बल्स है ना अब वो पैरा जंबल के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व करें किस तरीके से अप्रोच करें तो वो टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूं और वो टिप्स आपको काम आएगी आपके सी यू ई टी के एग्जाम में भी तो फटाफट -फड़ से अपने दोस्तों को बता दो इस सेशन के बारे में कि यस कि ऐसा से एक सेशन हो रहा है जिसमें आपको अभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगी अबाउट रीअरेंजमेंट क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है जो आएगा नॉट ओनली इन सीयूईटी बट आल्सो इन एवरी अदर एग्जाम आल्सो सो प्लीज डू दैट पैरा जंबल्स के लिए ये क्वेश्चन होने वाला है और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो ठीक है और अपने दोस्तों को बता दो कि ये सेशन हो रहा है आओ और ज्वाइन कर लो क्योंकि सी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आई मैट के लिए ठीक है, आई एम रोहतक के लिए जिप मैट के लिए क्लैट के लिए एलिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए रीअरेंजमेंट का लेकिन अगर आपको रीअरेंजमेंट पता है सो यू कैन मेक अ लॉजिकल यू नो कॉम्प्रिहेंशन एंड कैन आंसर द क्वेश्चन ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ठीक है सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू सो गुड दैट यू गाइस आर जॉइनिंग फटाफट से ज्वाइन कर लो गाइस वीडियो को लाइक कर दो और अब हम चलते हैं अपने पैरा जंबल्स की तरफ तो पैरा जंबल्स होता क्या है एज द नेम सजेस्ट पैरा जंबल एज द नेम सजेस्ट पैरा एंड जंबल्स नाउ पैरा मींस पैराग्राफ पैरा मींस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ इज मेड ऑफ paragraph is made of sentences is made of sentences okay when paragraphs are made of sentences and these are jumbled these are jumbled you need to rearrange them this process of this process of rearrangement of these jumbled sentences is called is called para jumbles i repeat जब आपको एक सेंटेंसेस दिए होते हैं वो आपस में जंबल्ड होते हैं उनको आप रीअरेंज करते हो उसको हम बोलते हैं पैरा जंबल्स। क्या बोलते हैं उसे पैरा जंबल्स। ठीक है तो आपके पास कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास आता है फोर सेंटेंस टाइप फाइव सेंटेंस टाइप ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस गिवन फोर सेंटेंस टाइप क्या होता है फोर सेंटेंस टाइप होता है जब आपको ए बी सी और डी ये चार सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको इनको रीअरेंज करना है दूसरा है ए बी सी डी और ई e. ठीक है तो ये आपको पांच दे रखे हैं ठीक है आपको इनको रीअरेंज करना है तीसरा टाइप है कि आपको ओपनिंग सेंटेंस सेंटेंस वन इज कि बता रखा है ये ओपनिंग सेंटेंस है अब इसके बीच में आपको दे रखा है ए बी सी और डी एंड देन यू आर गिवन विथ सेंटेंस सिक्स which is the closing sentence which is the closing sentence ठीक है so opening sentence है आपके पास और आपके पास closing sentence है ठीक है यहां के बीच के ये sentences को आपको rearrange करना है you need to rearrange ये तीन तरीके के questions हैं तीन type के questions हैं जो आपको आएंगे ठीक है ये तीन टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे तो दिस को वॉट इज कॉल्ड एज पैरा जम्बल्स सर हम डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिए हैं तो हमें मैथ भी uh, पढ़ना पड़ेगा क्या डिपेंड करता है बेटा क्या आपने लेने के बाद क्या टारगेट कर रहे हो कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो तेज अगर आप टारगेट कर रहे हो जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही काम चल जाएगा तो फिर मैथ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि जहाँ पे मैथ कंपलसरी है जहाँ डोमेन देना तो तो मैथ पढ़ना पड़ेगा है ना बेटा तो वो आपको डिपेंड करता है कि कौन सा इज कोर्स दैट यू आर टारगेटिंग तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो तो बच्चों ठीक है दैट इज इम्पोर्टेंट देन वी हैव कि आप क्या करते हो लेट्स लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है हेलो पीयूष द मिनिस्टर सेड दैट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन डैम शुड रिसीव वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल टू इन्श्योर अनइंटरप्टेड ये क्वेश्चन है ए बी सी डी आपको इसको रीअरेंज करके एक लॉजिकल पैराग्राफ बनाना है बताओ फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए द मिनिस्टर ऑफ of फॉर इरीगेशन डैम शुड रिसीव वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल टू इंश्योर अन इंटरप्टेड क्या होना चाहिए रीअरेंज करो इसको रीअरेंज करो इसे फटाफट से फटाफट से रीअरेंज करो फटाफट से रीअरेंज करके -फट कर आंसर लिखो आंसर लिखो चैट बॉक्स में आंसर लिखो चैट बॉक्स में सो दैट मुझे पता चले कि आप इसे कर पा रहे हो ठीक है अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको करने में तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा होना चाहिए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है यहां पे कि अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कह रहा है ना कोई तो ये कह रहा है तो ये स्टार्टिंग में आएगा भाई मैं सब्जेक्ट बन जाऊंगा ना सो मिनिस्टर सेट दैट अब मिनिस्टर सेट दैट मिनिस्टर ने कहा क्या मिनिस्टर ने कहा क्या मिनिस्टर ने कहा क्या चीज के लिए हमें चाहिए सप्लाई ऑफ वाटर ठीक है अप टू अ पर्टिकुलर लेवल डैम शुड रिसीव वाटर टू इंश्योर तो सो बेसिकली हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें इंश्योर करना है अन इंटरप्टेड क्या अनप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर सो बेसिकली हम यहाँ क्या ट्राई कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू गेट द मैंडेटरी पेयर वी आर ट्राइंग टू गेट द मैंडेटरी पैर मैंडेटरी पैर वो पैर होता है जो हमेशा साथ में आएगा जो हमेशा साथ में आएगा मेरे पास पहला आंसर आ चुका है ए सी डी डी ई बी ए सी डी ई बी जो दिया है हमें अंशी ने वेरी गुड अंशी देखते हैं कि ये सही है आ, या नहीं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बिल्कुल आएंगे तभी करवाए जा रहे हैं आपको बेटा ये रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको ये लैंग्वेज सेक्शन में पक्का से आएंगे आपके पास ठीक है सो मैंडेटरी पेयर में देखते हैं तो ये अंशी बोल रही है टू अ पर्टिकुलर लेवल टू इंश्योर अन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वॉटर फॉर इरीगेशन ठीक है भाई टू इंश्योर क्या करना है बैंक में तो ये तो इट इज नॉट मेकिंग सेंस इट इज नॉट मेकिंग सेंस द करेक्ट सेंटेंस शुड बी द मिनिस्टर सेट दैट टू इंश्योर अन इंटरप्टेड तो मिनिस्टर ने क्या कहा ये हमें इंश्योर करने के लिए कि अन इंटरप्टेड मिले क्या चीज अन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर सो बेसिकली वी आर योर मैंडेटरी पेयर मैंडेटरी पेयर ओके, सो टू इंश्योर अन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन अप टू अ पर्टिकुलर लेवल ये है आपका सोल्यूशन ये है प्रॉब्लम टू इंश्योर सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन है ये डैम शुड रिसीव वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल अप टू अ पर्टिकुलर लेवल सो डैम शुड रिसीव वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल सो बेसिकली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दैट मीनस C and D is also a mandatory pair, and D becomes your closing sentence. Therefore, A, E, B, C, D. This is your answer. This is your answer. This is your answer. Okay? Clear, hai baat? Clear, hai baat? ठीक है इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है अब हम आगे जब चलेंगे तो मैं आपको और टिप्स बताऊंगा कि इनको हमने आइडेंटिफाई कैसे किया उसके लिए सबसे पहली चीज है ये है आपकी टिप नंबर वन टिप नंबर वन और वो टिप नंबर वन क्या है आइडेंटिफाइंग द ओपनिंग सेंटेंस ना ओपनिंग सेंटेंस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ओपनिंग सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट वेदर द डेफिनेशन ऑफ समथिंग you need to find nouns because nouns naam start you can also find any introduction about any or a fact that is mentioned maybe there is something which is a problem that has been discussed and we are seeking a solution or the cause. Okay. The cause. Once this is there, all these things can be your opening sentence. Okay. These opening sentences can be: A cause ke baad, agar aap uska, you know. Uh, इफेक्ट देखने लगे कि ये कॉज है इसकी वजह से ये होने लगा है तो आप वापस से कॉज पे तो नहीं जा पाओगे ना कॉज so बिकम्स कि भैया स्टार्टिंग में ये चीज है इसकी वजह से ये ये चीजें हो रही हैं है ना तो दीज आर दो थिंग्स जो कि आपकी क्लो क्लोजली कैन बिकम एन ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ ठीक है अब देखते हैं एक क्वेश्चन लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ठीक है जी में कुछ चेंज हुआ है यस yes, थोड़ा बहुत इधर उधर उन्होंने कर दिया है चेंज ठीक है जिसके ऊपर अभी अभी हमने एक सेशन किया है इससे पहले लाइव सेशन था आप वो जाके देख सकते हो यस yes, थोड़ा सा जी में चेंज किया है उन्होंने जो पार्ट्स थे सेक्शंस थे शायद उनको हटा के अब एक ही में सब चीजें पूछेंगे दिस इज वॉट दे हैव गिवन गि समथिंग ऑन लाइक दैट हैज़ बट फॉर दैट प्लीज वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो गुड इवनिंग संयोगिता गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन बेटा ठीक है ये इंग्लिश में आएगा है, आप बोल रहे हैं सी सी ए डी बी दीन्स लेटेस्ट लुक एट दू कल देखिए लेटेस्ट लुक एट द टू कल्चर्स ऑफ कॉम्पिटिशन वेन यू आर सेटेस्ट लुक एट टू कल्चर दैट मीन्स यू आर सेटिंग यू आर सेटिंग द प्रेमिस यू आर सेटिंग द प्रेमिस ऑफ डिस्कशन की हम दो कल्चर्स के बारे में आगे चल के बात करने वाले हैं दो कल्चर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं तो आगे चल के देखते हैं अब वो दो कल्चर्स कौन से हैं वो दो कल्चर्स कौन से हैं दैट इज वॉट वी नीड टू सी दैट इज वॉट वी नीड टू सी बताओ फटाफट फट फट से कौन से हैं वो दो कल्चर्स बताओ फटाफट फट से इज करेक्ट बोल रहे हैं बाकी लोग भी जवाब दीजिए बाकी लोग भी जवाब दीजिए तो so, जब two, जब टू, टू कल्चर्स, उनमें से एक कल्चर क्या है इन बल्क प्रोसेसिंग इन बल्क प्रोसेसिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्राइसेस टिपिकली इमर्ज टिपिकली इमर्ज व्हाट डूइंग व्हाट? प्रोडक्शन टेंस टू बी रेपिटेटिव मच सेम सो बेसिकली हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं हम यहां पर बोल रहे हैं दो कल्चर के बारे में बात हो रही है दो कल्चर में से एक कल्चर ये है सो बेसिकली दिस बिकम्स योर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एंड ऑल्सो सी एन ए बिकम्स योर मैंडेटरी पेयर सी एन ए बिकम्स योर मैंडेटरी पेयर एंड बिकॉज इट बिकम्स योर मैंडेटरी पेयर बिकॉज इट बिकम्स योर मैंडेटरी पेयर वो कहा है हमारे पास सी ए एक ही ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में ठीक है एक ही ऑप्शन में वेरी गुड सी संयोगिता ने भी सही दिया पीयूष ने भी दे दिया आज़म कह रहे हैं कश्मीर मच लव टू यू ऑल्सो वेलकम टू द सेशन बल्क प्रोसेसिंग सर आप पहले चलो पुरानी बातें हम बाद में बात करेंगे नमन <laughs> ठीक है अभी हम आज की बात करते हैं ठीक है फिर कभी किसी दिन बीते हुए कल के बारे में बात करेंगे आज हम आज की बात करते हैं ठीक है नमन अभी आंसर ये so है एंड द आंसर इज बी चलो नेक्स्ट सो द ओपनिंग सेंटेंस इन दिस केस इज क्लियरली स्टेटमेंट सी इट इंट्रोड्यूसेज टू कल्चर्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड स्टेटमेंट ए गोज ऑन टू एक्सप्लेन बल्क प्रोसेसिंग ठीक है सो द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्चुअली जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम एंड गोज इन डिटेल्स अबाउट बल्क प्रोसेसिंग सो द आंसर इज री गुड नेक्स्ट वन नेक्स्ट टेप इज टिप नंबर टू इज आइडेंटिफाइंग द क्लोजिंग सेंटेंस ठीक है आइडेंटिफाइंग द क्लोजिंग सेंटेंस ठीक है वह क्या है आइडेंटिफाइंग क्लोजिंग सेंटेंस कैसे करते हैं जब आप देखते हो कहीं पर फाइनली इन दीक है हेंस, therefore, ऐसी चीजें जब हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को पता चल जाता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंक्लूजन अ कंक्लूजन ठीक है सो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसके लिए देखते हैं हम ऑप्शन ये बताओ भाई इसका आंसर क्या बट द लास्ट डेकेड विटनेस ग्रेटर वोटिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अब यहां पर देखो यहां पर अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस चीज के बारे में बात हो रही है किस चीज के बारे में बात हो रही है कि और आखिरी में क्या सेंटेंस आना चाहिए तो आपको आंसर आसान से मिल जाएगा यहां से देखकर बताओ क्या आंसर होना चाहिए इफ वन गोज द दर्लिया रिकॉर्ड ऑफ मिड टर्म इलेक्शन इट इज लाइकली टू डू दैट इफ दिस ट्रेंड अब यहां पे देखो इफ दिस ट्रेंड

अगेन हम कोई इशू है जो डिस्कस कर रहे हैं वो इशू क्या है वो बस देखना है हमें ठीक है पीयूष ने हमें आंसर दिया है वन वेरी गुड वेरी गुड देखो क्या है फटाफट से देख के बताओ कि क्या है जो लोग भी इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं यार थोड़ा सा प्यार दिखा के लाइक भी कर दिया करो वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना प्लीज़ लाइक इट ठीक है बताओ गुड इवनिंग मानवी गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन So, if one goes by the earlier record of midterm election, it is likely to turn out in 2019 will drop by anything between four to six percentage points over the already low polling of 58% in 2014. So, this is something a discussion which is happening, a discussion which is happening. So, a D has not, notwithstanding a good deal of speculation on this issue, it is still not clear as to who benefits from a lower. टर्न आउट सो बेसिकली हम जब इसको बोल रहे हैं तो वो आपको एक इंट्रोडक्शन सेंटेंस दे रहा है कि ऐसा ट्रेंड चलता आ रहा था और अगर यह ट्रेंड चलता रहा तो क्या होगा दिस इज वॉट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज रेफरिंग टू वेरी गुड वेरी गुड देन कम्स नाउन प्रो नाउन रिलेशनशिप अप्रोच नाउ अगर एक सेंटेंस में हमने लिखा आशीष ठीक है गर्ग एंड समथिंग एंड देन सी में हमने लिखा ही इज फ्रॉम एंड द प्लेस द सिटी जहां से लिखा नाउ क्लियरली हम ये बता सकते हैं ना दैट ही इज रेफरिंग टू वॉट ही इज रेफरिंग टू वॉट एंड द मोमेंट वी गेट ही इज रेफरिंग टू आशीष गर्ग सो वी कैन से दैट सी विल फॉलो ए c will follow a, and this is what we call as the noun and pronoun relationship approach. noun and pronoun relationship approach. Okay? Option dekhte people can get infected by handling reptiles and then touching their mouths or can open cut. at first, they look the perfect pets, exotic, quiet, and tidy. a study estimates that in 1995, there were as many as 6,700 reptiles caused सेलमोनेला इन्फेक्शन ठीक है बट लिजर्ज ऑन दी एंड अदर पेट्स कैन हार्बर अ सेल्मोनेला बैक्टीरियम दैट मेक्स पीपल सिक ठीक है अब यहां पर देखो अगर आप आर्टिकल्स आपने पढ़ा है चाहे मैंने पढ़ाया है या आपने ऑनलाइन कहीं पढ़ा है आर्टिकल्स अगर आप आर्टिकल्स का यूसेज यहाँ करोगे ना ए एंड द एंड यू विल अंडरस्टैंड यूसेज ऑफ द अप्रोच अब बताओ मुझे फटाफट से फटाफट से देख के बताओ कि क्या अप्रोच हमने यहां पे लगाई है और आंसर बताओ मुझे आंसर बताओ मुझे फटाफट से आंसर बताओ इसका जल्दी से बताओ तो पहला आंसर हमारे पास आ चुका है पीयूष बोल रहे हैं आंसर है ए बाकी लोग बताओ बाकी बताओ जल्दी से बताओ अब आपको अगर मैंने आर्टिकल्स में बताया था दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी थिंग प्लीज अंडरस्टैंड नमस्ते इजी कॉन्सेप्ट हेलो वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट रेफरेंस फर्स्ट रेफरेंस वी यूज अ और एन ये मैंने आपको आर्टिकल्स में जिन लोगों ने भी मुझसे पढ़ा है मैंने आपको ये बात बताई थी वेन एवर वी डू अ फर्स्ट रेफरेंस टॉकिंग अबाउट एनी थिंग वी यूज अ तो अब यहां पे अगर आप देखो अ सेलमोनेला और यहां पे हमने खाली यूज करा है सेल्मोनेला सो दैट मीन डी विल कम डी विल कम बिफोर डी विल कम बिफोर सी डी विल कम बिफोर सी अब डी सी से पहले कौन से ऑप्शन में आ रहा है बताओ डी पहले कहां आ रहा है अब यहां पर है ये ए और ये खाली है सो दैट दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस और अगर ये फर्स्ट रेफरेंस है तो डी उससे पहले आएगा डी चीज से पहले आएगा वो कौन से ऑप्शन में है वो कौन से ऑप्शन में है डी पहले बताओ फटाफट फड़ से एक ही ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है सो so, हम क्या बोल रहे हैं एट फर्स्ट दे लुक द परफेक्ट पेट्स एग्जॉटिक क्वाइट एंड टाइडी, ठीक है बट लेजर्ड्स एंड अदर पेट्स कैन हार्बर तो व्हेन यू आर सेइंग दे लुक परफेक्ट पेट्स दे की बात कौन हो रही है लिजर्ड्स एंड अदर पेट्स ये कंबाइंड है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे बिकम प्लूरल, ये हमने वर्ब्स में किया था ये हमने वर्ब्स में किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी गुड गौरव वेरी गुड गौरव टू सेंटें टू सब्जेक्ट जॉइन बाई एंड आर प्लूरल बिकॉज दे आर प्लूरल सो दिस गुड ठीक है नेक्स्ट वन दीज इनॉमस रिवर्स क्वाइट इनकॉन्स्टेंट समिटिंग ऑफन ब्रांचिंग एंड एडिंग इन मैनर्स अगेन That defy explanation and prediction, occasionally cause disastrous results. One example is El Nino. El Nino किस चीज का example है? El Nino किस चीज का example है? ये आपको देखना है. So basically अगर आप देखो, तो हमारे पास A D A C. तो so, दो जगह A है, D और C है. तो so, किस चीज से answer start हो सकता है? One example is El Nino, this the periodic catastrophe that plagues the west coast of America. दिस कोस्ट अब ये देखो दिस कोस्ट दिस इज योर क्यू ये है आपका क्लू जो आपको देखना है ये कोस्ट है ये किस कोस्ट के बारे में बात कर रही है? अगर आप इतना समझ गए अगर आप इतना समझ गए कि ये दिस कोस्ट इज टॉकिंग अबाउट वॉट यू विल गेट दी आंसर यू विल गेट दी आंसर सो फट फटाफट से देख के बताओ कि किस चीज का है फटाफट से फटाफट पड़ से देख के बताओ फटाफट से बताओ ओके okay, हमारे पास आंसर्स आ गए हैं सी सी बोल रहे हैं लोग बाग, ए सी डी बी सी काफी सारे लोग बोल रहे हैं सी आंसर है जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दीज इनोमस रिवर्स तो ये एक इंट्रोडक्टरी uh, सेंटेंस हो गया क्वाइट इन समाइम शिफ्टिंग ऑफन ब्रांचिंग एंड एडिंग इन मैनर्स डिफाई एक्सप्लेनेशन एंड प्रोडिक्शन ओकेजनली कॉज डिजास्टरस रिजल्ट ठीक है दिस कोर्स इज नॉर्मली केस बाय कोल्ड रिच हम बोल्ड करंट ठीक है आगे यूजली तो ये आपका ओपनिंग सेंटेंस है जो आपको दे रखा है ऑलरेडी यहां पे ठीक है अब आपको इसके बाद बताना है कि यहां पर इससे मिलता जुलता क्या चीज आनी चाहिए इससे मिलती जुलती आनी चाहिए इसका एग्जाम्पल क्या है वन सच इज एल नीनो ठीक है एल नीनो द दैट दटास्ट्रोफी द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका नाउ व्हेन यू रिमेंबर आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप ऐसा लगाते हो वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका तो इट्स अ स्पेसिफिक थिंग एडजेक्टिव की तरह आपने इसको यू यूज किया है वेस्ट कोस्ट को तो यहां पर जब हमने लगाया तो द लगाया दिस कोस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट विच कोस्ट देर फोर वी आर टॉकिंग अबाउट कोस्ट ऑफ अमेरिका सो ए एंड सी बिकम्स योर मैंडेटरी पेयर ए और सी बिकम्स योर मैंडेटरी पेयर एंड बिकॉज ए एंड सी बिकम्स योर मैंडेटरी पेयर विच इज देयर इन ओनली वन ऑप्शन सो देर फोर द करेक्ट आंसर इज सी देर फॉर द करेक्ट आंसर इज सी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैथ का क्लास भी चलता है हाँ जी मैथ का क्लास भी चलता है ऑप्शन सी और डी है सी सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है आगे चलते हैं देन आइडेंटिफाइंग द मैंडेटरी पेयर ठीक है आइडेंटिफाइंग द मैंडेटरी पेयर जो अभी आपको मैंने बताया कि मैंडेटरी पेयर किस तरीके से देखना है तो अब इसको देखो मैंडेटरी पेयर कहां से आएगा इसमें By reasoning. So basically, आपने यहाँ पे क्या बताया लॉजिक मीन इफ वी टेक इट्स ओरिजिनल मीनिंग अब आपने बताया वैलिड रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक जब लॉजिक ये होता है तो आपको इससे अब मैंडेटरी पेयर निकालना है यू नीड टू फाइंड आउट द मैंडेटरी पेयर नाउ दिस मैंडेटरी पैर निकाल के आंसर बताइए फटाफट से बताइए फटाफट से आंसर फटाफट से आंसर बताओ फटाफट से आंसर बताओ इसका पढ़ के क्या आंसर होना चाहिए अब तक आपको सब समझ में आ जाना चाहिए जो हमने करवाया है आपको बताइए फटाफट से तो बेसिकली लॉजिक मीन्स ये तो पहले ही पता चल रहा है लॉजिक मीन्स तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो योर ओपनिंग सेंटेंस वुड बी सी ओपनिंग सेंटेंस इज सी ठीक है एक तरीका तो देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या था इन फाइव सेकेंड्स अगर आपको पता चल गया है कि सी इज योर ओपनिंग सेंटेंस सी इज योर ओपनिंग सेंटेंस एक ही ऑप्शन है जो सी से स्टार्ट हो रहा है एक ही ऑप्शन है जो सी से स्टार्ट हो रहा है वो है बी एक तरीका तो ये है करने का दूसरा तरीका क्या है मैंडेटरी पैर देख लो रीजनिंग यहां पर है बाय रीजनिंग वी मीन तो दिस इज टेकिंग फॉरवर्ड तो सी एंड ए बिकम्स योर मैंडेटरी पैर सी एंड ए बिकम्स योर मैंडेटरी पेर ठीक है देर फॉर बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया नेक्स्ट वन वॉट इज एक्नम अप्रोच लेट्स लुक नाउ वेन यू से जब अपने आपको इंट्रोड्यूस करेगा कोई भी जब अपने आपको इंट्रोड्यूस करेगा तो पहले बताएगा माई नेम इशीष गर्ग एंड देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी मे यूज मिस्टर गर्ग और वी मे यूज आशीष ओनली बट पहला पॉइंट हमेशा ये होगा हमेशा इट विल बी योर फर्स्ट फुल नेम यू कैन नॉट यूज द सेकेंड नेम और ओनली द फर्स्ट नेम यू हैव टू यूज इट इन टोटेलिटी पहले अगर मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं पूरा नाम बताऊंगा अपना नेक्स्ट टाइम शायद मैं बोलूं आशीष या गर्ग या एवर एक्स थिंक लेकिन पहली बार मैं अपना पूरा नाम बताऊंगा ये कहते हैं एक्रोनिम तो पूरा नाम बताने पर अगर हम देखते हैं यहाँ पे इफ इफकाल मार्क्स रिटर्न हेयर एंड दूसरे ऑप्शन में लिखा है सेंटेंस में ओनली मार्क्स तो क्लियरली यू कैन से दैट सी विल कम सी विल कम बिफोर बी सी विल कम बिफोर बी और वो कहां पर है यहां पे नहीं है दिस इज आउट यहां पे नहीं है दिस इज आउट यहां पे नहीं है दिस इज आउट यहां पर है दट सी बी से पहले है देर फॉर द करेक्ट आंसर इज डी अगेन टेन सेकेंड क्वेश्चन आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है एक अलौता ऑप्शन है जहां पे सी बी से पहले है एंड दैट इज ऑप्शन डी देर फोर इज डी देर फॉर आंसर इज डी ठीक है सो so, ये तो थी आपकी सारी की सारी टिप्स ठीक है लेकिन एक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र कौन सा है वो ब्रह्मास्त्र है सक्सेस मंत्रा इज ऑलवेज ऑप्शन विच क्लास सेक्शन इज दिस दिस इज लैंग्वेज इंग्लिश सी यू टी एंड अदर पेपर ठीक है ठीक है सक्सेस मंत्रा इज ऑप्शन ठीक है अगर आप जितनी जल्दी पैरा जंबल्स के क्वेश्चन या रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन ऑप्शन से कर देना शुरू करोगे आपकी एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा और क्योंकि आपका एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा तो दिस इज अर शॉर्ट क्वेश्चन जहां पर आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो इसलिए कोशिश करो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्यारा जंबल्स की करो ठीक है आप लोगों को और प्रैक्टिस चाहिए तो करना है क्या आपको करना है ये डाउनलोड करो अड्डा टू फोर सेवन फो फो की ऐप जुड़िए हमसे ये सारी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ठीक है ये सारे एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करवाते हैं आपको यहाँ पे ये हमारे बैचेज हैं ज्वाइन देम यूज़ वाई फोर सिक्स एट एज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है सो यूज वाई फोर सिक्स एट फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर एनी कोर्स दैट यू वॉन्ट टू टेक बी एट आई पी मैट क्लैट एलेट एनी एग्जाम दैट यू वॉन्ट टू टेक डू दैट ठीक है सो so ये थी आज मैंने आपको कुछ बताई टेक्निक्स डूंग पैराजर्स इन अ बेटर वे ये शॉर्ट हैं ये गलत कभी नहीं होने चाहिए जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा आपके लैंग्वेज टेस्ट में भी और किसी और एग्जाम में भी जिसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक उसमें आता है एग्जाम में ठीक है कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं आती सब में आती है ठीक है सो so, वो आप कर सकते हो ठीक है जी तो ये था हमारा आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो सेशन को ठीक है और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होइए। ऑल द वेरी बेस्ट है, है मेरी तरफ से और मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन के साथ बाय बाय एवरी वन अगली क्लास होगी बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास ठीक है बेटा पुरानी चीज़ों को भूल जाओ गौरव <laughs> पुरानी चीज़ों को भूल जाओ नया चीज़ पे ध्यान देते हैं नए चीज़ पे ध्यान देते हैं ठीक है माय प्लेजर इजी कॉन्सेप्ट जो आपका नाम मुझे पता नहीं है बट थैंक यू आपको अच्छा लगा सेशन थैंक यू सो मच ठीक है